मुद्दा आता है कि मार्केट से कैसे हमारा सामान सस्ता पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन के लिए मैं बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बता दूं, थोड़ी बहुत आपको मैथ आनी चाहिए, और अगर मैथ नहीं आती है तो इतनी मैथ जरूर सीख लेना कि किसी को मार्केट वर्सेस मोदी के बता सको। तो अभी जब भी कोई आपसे बोले तो मार्केट और मोदी केयर के बीच का जो मेन डिफरेंस है आपको मैं वन बाय वन समझाने की कोशिश करूं, समझिएगा। इससे पहले आप सारे लोग जान लो, हमारे पास मोदी केयर के लगभग 600 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और 150 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। 150 टाइप्स के प्रोडक्ट कह सकते हैं, उसमें वराइटीज हमारे जो लगभग वराइटी है वो 600 से ज्यादा वराइटी है। तो आज हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। अब इस पे आपको कोई क्वेश्चन डाल देगा, देखो कोई चाचा चौधरी भी आपको आ जाएगा, अब उसको पता है कि मोदी केयर में अभी दाल चावल ना है, वो क्या बोलेगा, ठीक है हमको दाल चावल दे दो, 10 किलो दाल 10 किलो चावल दे दो। वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि भाई ठीक है मुझे दाल चावल दे दो, मैं दाल चावल लूंगा। तो आप वहां पे फंस जाओगे, यार दाल चावल इसमें, या वो कहेगा दाल चावल होता तो ले लेते तुमसे सामान। आदमी ऐसे चाचा चौधरी बनता है, उसका भी आंसर कैसे देना मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले अभी हम बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो 5 तरह के फायदे हैं, मैं टोटल 5 तरह के फायदे की बात करता हूँ, कस्टमर बनने के जो बाय डिफॉल्ट 5 तरह के फायदे मिलते हैं, एक शॉर्ट समरी में सारे लोग लिख लो। रुको मैं नोट पैड ओपन करता हूँ, आप लोगों के काम है। आप लोग सारे लोग ये चीज लिख लेना, ये चीज शॉर्ट समरी में लिखे रहोगे जिंदगी भर आप हमेशा खुश रहोगे। ये चीज आप लिख लो कि ये चीज आपको रटा होना चाहिए कि मोदी केयर में कोई जुड़े या ना जुड़े लेकिन उसको बाय डिफॉल्ट 5 तरह के कंपनी फायदे देगी। पहला फायदा आपको क्या है कि ये शॉर्ट में आप लोग लिख लो, आपको काम आएगा। और कई बार बताया गया है, आपको पता भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10-20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन एमआरपी। आप लिखे रहो 10-20% बोलना, गलती से ये मत बोल देना कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ना 10-20% वर्ड को याद रखना, 10-20% का डिस्काउंट मिलता है आपको मोदी केयर से सामान खरीदने पे एमआरपी रेट पे। दूसरा फायदा आपको पता होना चाहिए, दूसरा फायदा ये है कि भैया लगभग 10% तक का सामान कंपनी आपको हाथों हाथ गिफ्ट देती है। ये की पॉइंट बस लिख रही है, जितने के भी आप परचेस करते हो 1000 रुपए से ज्यादा, याद रखना 1000 रुपए से ज्यादा जितने की रुपए की आप परचेस करते हो 10% तक का सामान आपको कंपनी हाथों हाथ गिफ्ट देती है। फ्री वर्ड मत यूज करना गलती से, जिसने भी जो लोग भी फ्री वर्ड यूज करते हैं वो फंस जाएंगे। फ्री का मतलब ये होता है कि हम अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं, गिफ्ट का मतलब होता है दूसरे की पसंद का सामान होता है। तो जब भी गिफ्ट वर्ड बोलोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे, क्योंकि कस्टमर आपसे बोलेगा नहीं 10% का सामान तो हमें हमारे पसंद का चाहिए, तो सर मैंने तो आपसे बताया ना, आप आंसर दे सकते हो, मैंने सर आपसे बताया ना गिफ्ट, आप मुझे बताओ सर आपके यहाँ बर्थडे होता है तो गिफ्ट आपकी पसंद का आता है कि जो वो बंदा लेके चला था उसकी पसंद का होता है। वो कहेगा भाई उसकी पसंद का होता है, तो सर इसीलिए यहाँ पे गिफ्ट कंपनी दे रही है ना, फ्री थोड़े दे रही है आपको। जब फ्री आपको मिलेगा उस पे आप ले लेना अपनी पसंद का सामान। अब मैं बताती हूँ कहाँ पे आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा फायदा आपको याद रखना, वो जवानी। तीसरा फायदा क्या है कि भैया कंपनी आपको 6th मंथ में, अगर 6 महीने तक आप सामान खरीदते हो तो 7th मंथ में आपको कंपनी 1 मंथ का सामान फ्री देती है आपके एवरेज परचेस पे। याद रखना शब्द, याद रखना एवरेज परचेस, आपके एवरेज परचेस पे 7th मंथ में 1 महीने का सामान फ्री देती है, और आपने अगर 12 महीने तक कंटिन्यू किया तो कंपनी आपको 2 महीने का और सामान फ्री देगी, 2 महीने का और सामान फ्री देगी। तो मतलब 1 साल में कंपनी आपको जो टोटल सामान फ्री देने वाली है आपके एवरेज परचेसिंग पे टोटल 3 मंथ का देने वाली है। ये आप बोल सकते हो कभी भी। एक चीज सारे लोग आज से ध्यान रख लो, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, ये ध्यान रख लेना, कभी भी प्लान दिखाना या कस्टमर को समझाना हो लॉयल्टी और रीपर्चेस प्रोग्राम, एमआरपी, रिटेल प्रॉफिट, ऐसे कठिन कठिन शब्द का यूज कतई मत करना। प्लान जितना सरल बता सको, जितना सरल शब्दों में बता सको उतना बताने की कोशिश करना। और हम लोग बीवी पीवी में घुस जाते हैं, और सर हमारे यहाँ सामान खरीदो इतना बीवी मिले इतना पीवी। अब वो बंदा की गाड़ी फंस गई बीवी पीवी में, वो बीवी पीवी से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। आप कभी भी बात करो लेमन लैंग्वेज में बात करो। मेरे सामने अगर गाँव का व्यक्ति, देहाती व्यक्ति आ जाए ना, तो मैं उसको बोलूंगा, मैं उसको और सरल तरीके से बताऊंगा।
भैया तुमको अगर तुम सामान लोगे ना 3 महीने का राशन पानी तुमको कंपनी फ्री देगी, 1 महीने का, 1 साल तक सामान लो 3 महीने का राशन पानी फ्री। मोटा माटी कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, जैसा व्यक्ति कहते ना, जैसा आपको व्यक्ति मिले वैसा आप अपना स्टाइल बनाओ। एक ही तरह रट के मत आना, बीवी पीवी बीवी पीवी इतना बीवी इतना पीवी, नहीं, सरल शब्दों में बताओ, आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि मोटा माटी हर किसी को याद रहता है कि क्या हुआ। अब सरल शब्दों में आप बताने को सीखे, सरल शब्द ये हो गया। चौथा क्या हो गया सर, कोई भी सामान आप यहाँ से खरीदो आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। इसका मतलब क्या होता है सर, आपने चाय खरीदी हमारे यहाँ से, चाय आपने खोली, उसको बनाई, मम्मी पिए, पापा पिए, भाई पिए, बहन पिए, किसी को नहीं पसंद आया चाय, तो किसी भी कारणवश सर आपको चाय पसंद नहीं है, चाय की पैकेट सर उठाइए, हमारे मोदी के दुकान है, हर सिटी में दुकान होती, दुकान में आप जाइए, खुला माल वापस करो, कह दो भैया हमको चाय पसंद नहीं आई, लो पकड़ो वापस चाय, चाय पकड़िए, और आपसे कंपनी पूछेगी कि भैया पैसा चाहिए तुम्हें कि तुम्हें सामान चाहिए, तुम बोलना पैसे चाहिए, आपका सामान वापस, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। आपका सामान तब तक आपका रहेगा जब तक आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है सर। बस एक चीज का याद रखिएगा कि भैया 1 महीने के अंदर वापस कर देना, ऐसा ना हो कि चाय 1 महीने लिया अब वापस करने गए 1 साल बाद हमारी चाय वापस करो, सर ऐसा नहीं हो पाएगा, 1 महीने के अंदर आपको जाना पड़ेगा, हमें नहीं आपको जाना पड़ेगा, ये वर्ड आप जरूर यूज करिएगा, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। ठीक है, पांचवा फायदा आप इसी पे बताओगे सर, देखो अभी यहां तक आपको बीवी पीवी खेले में नहीं जाना है, अगर आप किसी को कस्टमर बनाने के ला रहे हो, सिर्फ उसको मार्केट वर्सेस कस्टमर, मार्केट वर्सेस मोदी के समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप यहां से बताओ कि सर आप जो भी सामान खरीदते हो कंपनी आपको उस पे कैश बैक देती है, अभी 7% के झमेले में मत फंसाना उसको, सर आपको कैश बैक मिलता है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे वापस भी आते हैं। मान लीजिए सर आपने 5,000 रुपए का सामान खरीदा, मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, 5,000 का सामान खरीदा, अब आप अपने मन में कैलकुलेट कर लेना, 5,000 का सामान खरीदा, इसने अगर इसकी रैंक भी नहीं चेंज हुई तो हमारा इसका बीवी कितना मिलेगा, 2500 बीवी मिलेगा, हमारा मिलेगा 2500 बीवी, अगर ये 7% पे भी रहा तो 2500 बीवी का 7% हमारा होगा 175 रुपए। तो आप सरल शब्दों में बोल सकते हो सर आपको 5,000 के सामान खरीदने पे 175 रुपए से लेके 250 रुपए तक आपके बैंक अकाउंट में वापस भी आ जाएगा। अब आप पूछोगे 250 रुपए मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर गलती से 10% पे चला गया तो 10% आएगा, तो आप मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज आपने बता दी, बीवी पीवी में मत उलझाना। अगर ये चीज आप समझाने में माहिर हो गए मेरे दोस्तों, आपकी डील हो जाएगी क्लोज, ये समझाने में अगर आप माहिर हो गए। अब यही 5 चीजें कैसे आपको सामान महंगा है और आपको क्या कहते हैं मोदी के मैं क्यों सामान सेलेक्ट करूं, इसी का आंसर अब आपको यहां पे मिलने वाला। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बेशक पूछ सकता है, क्योंकि मैं लेक्चर देने नहीं आया हूं, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे ये सेशन 1 घंटे ज्यादा चले जाए मुझे टेंशन ना आए, मैं लेने के लिए तैयार हूं, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, मोटी मोटी कहते ना, मोटा मोटा आपके दिमाग में भी जाना जरूरी है। कोई मुझे बताएगा किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। अब मुद्दा आता है कि मार्केट से कैसे हमारा सामान सस्ता पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन के लिए मैं बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बता दूं, थोड़ी बहुत आपको मैथ आनी चाहिए, और अगर मैथ नहीं आती है तो इतनी मैथ जरूर सीख लेना कि किसी को मार्केट वर्सेस मोदी के बता सको। मैथ नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनपढ़ आदमी यहाँ पे 1,00,000 रुपए महीने कमा सकता है तो डरने की बात ना है। अंकित सर को तो बड़ा पता है, अंकित सर तो इंजीनियर है, उनको तो कैलकुलेशन करना बहुत आता है, हम तो गांव में रहते हैं, हम तो किसान है, हमें तो कोई बात नहीं, आप मेरे से ज्यादा पैसा कमाओगे, लिख लो आप मेरे वर्ड, मेरे से ज्यादा पैसा आप कमाओगे। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। अब आपको समझाना क्या, जब आदमी बोले कि मार्केट से, देखो आदमी एक चाचा चौधरी आपके सामने बनेगा कि भैया हम यही सामान मार्केट से खरीदे, देखो मैं कल एक सेशन लेने वाला हूँ फॉलोअप एंड क्लोजिंग का, आप सारे लोग आना, आज आप सारे लोग 100 लोग 98 लोग इस मीटिंग में, कल आपको आना, मैं कुछ ऐसे आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके जिंदगी बदल देगी, आपके बात करने का स्टाइल बदल देगा, तो कल की 8 बजे की मेरी मीटिंग में जरूर आना। आज मैं वो सारे टॉपिक्स आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जो हमारी पीडीएफ फाइल में, बाकी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा जो आपके काम की चीजें होंगे। तो यहाँ पे जब आपको पहले बताना है, देखो वही जो 5 फायदे मैंने आपको बताए, वही 5 फायदे आपको कैलकुलेट कराना है। आप कैलकुलेट कराना है क्या सर, आप कॉपी पेन से समझाना, हमेशा किसी को पीडीएफ फाइल मत खोल देना उसके सामने, ये देखो पीडीएफ फाइल, देखो
ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको जीरो से हीरो बनाती है। आप जब कभी आप कॉपी पेन में लाइन ऐसे खींचोगे, बीच में लाइन खींचना करो, सर ये देखो एक तरफ मार्केट और एक तरफ मोदी केयर, चलिए हम बात करते क्या एक्चुअली में आपको मोदी केयर का सामान महंगा मिल रहा है या मार्केट से सस्ता मिल रहा है, चलिए सर कंपेयर करते हैं। तो पहला कंपेयर क्या करोगे आप कि सर मान लीजिए आपने मार्केट से 6000 रुपए का एमआरपी रेट पे सामान खरीदा, मार्केट से खरीदा, और वही 6000 रुपए का अगर आप सामान मोदी केयर से खरीद रहे हो, आप मोदी केयर से खरीद रहे हो तो कंपनी से, जैसे मैंने सर आपको भी पहला फायदा बताया था ना, अभी आपको मैंने बताया पहला फायदा कि कंपनी आपको, ये चार्ट बनाए रखना, कंपनी सर आपको 10-20% का डिस्काउंट देती है एमआरपी रेट पे, जैसा मैंने आपको अभी प्लान में समझाया था। तो सर यहाँ पे पहला फायदा क्या हुआ, सर 10-20% का डिस्काउंट मिल गया। चलिए मोटा माटी में 6000 का 10-20% डिस्काउंट 1000 रुपए मान लेती हूँ, तो एक्चुअली में जैसे आपको जो पैसा पे करना है वो पे करना है 5000 रुपए। सर यहां तक समझ में आया आपको, सर ये समझ में आई? तो अगर हम 6 महीने का कैलकुलेशन करें सर, तो 1000 रुपए की बचत आप हर महीने कर रहे हो, तो 6 महीने में सर कितने रुपए की बचत हुई, 6000 रुपए की। लेकिन सेम सामान अगर आप मार्केट से खरीदते तो सर 1 रुपए की भी बचत नहीं हुई। हो सकता हो आप बिग बाजार से खरीद रहे हो सकता हो आप मोर से खरीद रहे हो या किसी मॉल से खरीद रहे हो, वहां पे आपको 1500 का डिस्काउंट मिल जाए, सर ये 6000 का डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला, जो सिर्फ मोदी केयर में मिलेगा। चलिए सर मैं दूसरे फायदे की बात करती हूँ, मार्केट से ही मैं कंपेयर करूँ। सर मान लीजिए आपने मार्केट से यहाँ पे 6000 का सामान खरीदा, अब वही सामान आपने मार्केट से भी 6000 खरीदा, लेकिन हमारे यहाँ से आपने 6000 का खरीदा था, आपको पैसा देना था सिर्फ 5000। अब 5000 के सामान लेने पे कंपनी ने आपको दूसरा फायदा क्या दिया सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया जितने का सामान लेते हो उसके 10% तक का सामान सर कंपनी हाथों हाथ आपको गिफ्ट देती है। तो यहाँ पे सर आपने 5000 रुपए पे किए, तो 5000 का 10% सर हो गया 500 रुपए, मतलब पर मंथ आपको 500 रुपए का सामान हाथों हाथ गिफ्ट भी मिलेगा। तो 6 महीने का सर अगर एवरेज निकाले तो 500 × 6 लगभग सर 3000 रुपए। सर दूसरा फायदा आपको मोदी केयर सामान खरीदने का, सर अभी आप बिजनेस करो या ना करो कोई दिक्कत की बात ना है, सर बिजनेस गया चूल्हे पे कोई दिक्कत की बात ना है। अभी तो मैं सिर्फ आपको मार्केट से कंपेयर करके बता रहा, सिर्फ अगर आप दुकान बदलोगे तो आपको कितना जबरदस्त फायदा होने वाला। चलिए तीसरा फायदा, तो इससे बड़ा फायदा तो आपको मिलने वाला नहीं है। सर मार्केट से आपने 6000 रुपए का हर महीने सामान खरीदा, 6 महीने तक सामान खरीदा, आपने मार्केट में टोटल जो पैसा दिया आपने सामान खरीदने का 36000 रुपए दिया, लेकिन वही सामान खरीदने का आपने यहाँ पे 30000 रुपए दिया। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस सर यहाँ पे ये आया कि क्या सर 6 महीने खरीदने के बाद क्या सर मार्केट वाले ने आपको कुछ दिया क्या, लो राम बाबू तुम आते थे हमारे घर में, लो तुम 36000 का सामान लिया, ऐसा कर लो 1000 रुपए का सामान तुम फ्री में लेते हो। पहले होता था सर कि हमें कैलेंडर फ्री में कंपनी दे देता था, दीनानाथ किसका पंचांग आता था, किसी को नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई पंचांग आता था दीनानाथ कुछ ऐसे, वो फ्री मिल जाता था हमारे किराने की दुकान से, ठीक है। लेकिन अब वो भी फ्री मिलना बंद हो गया। लेकिन सर हमारे मोदी कैसे, यही अगर आपने 36000 का सामान, पहली बात तो 30000 का मिला, दूसरा फायदा क्या होगा, 7वें महीने सर 5000 रुपए का सामान आपकी पसंद का फ्री मिलेगा सर, आपकी पसंद का। यहाँ पे कंपनी आपको फ्री दे रही है, कह रही है जो लेना हो ले लो भैया, मुझे कोई दिक्कत की बात ना है, जो सामान पे हाथ लगाना हो वो हाथ लगा लो, कुछ सामान पे आपको सिर्फ एक आध दो क्वांटिटी मिलेगी, बस आप इतना बोलो, ये मत बोल देना सारे वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन बताने लगो, सर कुछ सामान की क्वांटिटी आपको लिमिटेड मिलेगी बस, बाकी जो सामान पे आप हाथ लगाना चाहो जितनी क्वांटिटी में लेना चाहो ले सकते हो, दैट्स इट। अब सबसे बड़ा मुद्दा है सर, आपने मार्केट में 36000 रुपए दिए सर, आपको कैशबैक नथिंग कुछ भी नहीं आया सर। यहाँ पे कंपनी आपको, जैसा मैंने बताया था सर, यहाँ पे 7-16% तक का पैसा आपको बैंक अकाउंट में आता है, चलिए मैं मोटा माटी मान लेता हूँ 5% एवरेज लेता हूँ, गोली मारो 7% 16% को, कैलकुलेशन को गोली मारो। आपने 5000 रुपए हर महीने सामान खरीदा, उसका 5% रिटर्न आया, तो सर लगभग 250 रुपए पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में भी आए, और अगर 6 महीने का कैलकुलेशन देखू तो सर 250 × 6 = 1500 रुपए, तो 1500 रुपए का आपको कैशबैक भी मिल गया। अब सर चलिए टोटल अब बेनिफिट की बात करते हैं। देखिए सर आपके सामने पूरा प्रूफ मैं रखा हुआ, कुछ गलत हो तो आप मुझे बता सकते हो, रोक सकते हो कि भाई तूने ये गलत बताया। अब टोटल एक्सपेंस आपने मार्केट में कितना किया, 6 महीने का आपने 36000 खर्चा किए, वही आपने सामान मोदी कैसे खरीदा तो आपने एक्सपेंस कितना किया, एक्चुअली मैंने 30000 रुपए एक्सपेंस किया। अब आपको लेकिन एक्सपेंस करने के बाद बेनिफिट कितने को मिला, जोड़ लीजिए सर 6000, 3000, 5000, 1500, टोटल सर 15500 का बेनिफिट मिला। अब सर 30000 से 15500 घटा लो, चलिए मैं 500 रुपए को और गोली मार देता हूँ,
30,000 में 15,000 घटा लो सर, 15,000 रुपए का सामान आपको एक्चुअली में पड़ा, अभी आपने काम नहीं किया मोदी केयर में, जस्ट आपने दुकान बदली है। अब सर आप मुझे बताइए, अच्छी क्वालिटी का सामान गारंटी के साथ, सामान पसंद ना आए तो वापस कर देना भैया, बताइए सर किस कंपनी का मुझे 15,000 का सामान मिलेगा, आप मुझे बताओ, दिला सकते हो तो सर आप मुझे बताओ, मैं लेने के तैयार हूं। ये सर रीजन है, अगर आप दुकान बदलोगे तो सर आपको हाफ रेट पे आपको सामान मिलेगा। इट मींस दैट अगर आपने हमारे यहाँ का 40 रुपए का साबुन खरीदा होगा या 40 रुपए का मंजन खरीदा होगा, एक्चुअली में आपको वो पड़ेगा 20 रुपए का। अब आज बताइए सर, 20 रुपए का 100 ग्राम सॉरी कौन सा साबुन आता है, आप ऐसे बोल सकते हो। अब इसके अलावा इसके अलावा सर अगर आप थोड़ा सा काम करना चाहते हो, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कमाना चाहते हैं, तो मार्केट से आपने आज तक सामान खरीदा सर, क्या आपको कभी बिजनेस करने का मौका मिला, क्या कभी विदेश घूमने का मौका मिला, क्या कार खरीदने का मौका मिला? नहीं मिला सर। आपने आज तक लाखों रुपए का माल खरीद लिया मार्केट से, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन सर मोदी केयर से अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहो, जो आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे वो अगले लोगों को बताना स्टार्ट कर दो, तो सर आप मोदी केयर से अपने ही सामान खरीदने से कार भी खरीद सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और इनकम भी कमा सकते हैं सर। अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपके लिए ये घाटे का सौदा है? दिल पे हाथ रख के बताइए सर। बाकी क्वालिटी गई चूल्हे पे, जब तक आप सामान नहीं पसंद करोगे तब तक तो पता नहीं चलेगा, जब तक सामान यूज नहीं करो गोली मारो। अगर इस चार्ट पे हम बिलीव करें जो मैंने आपको बताया, अगर आप उस पे बिलीव करो तो क्या ये सर घाटे का सौदा है? आप ऐसे पूछ सकते हो।